इस एपिसोड में हम देखते हैं कि यूजी केंटो को फोन करके वहां पर स्कूल में बुलाता है और वो केंटो स्कूल की तरफ निकल पड़ता है। और दूसरी ओर जून पे और यूजी में फाइट हो जाती है। जून पे एक शिकिगामी का यूज कर रहा होता है जो कि दिखने में जेलीफिश जैसा होता है, और जून पे यूजी को कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। पर यूजी नहीं हटता और यूजी के स्ट्राइक का उस जेलीफिश पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है, जिसके बाद की जून पे उस पर अटैक कर देता है। और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि आखिरकार जुनपे के पास ये पावर आई कहाँ से। हमें पता चलता है कि माहितो ने जुनपे को उस शिकिगामी को रिलीज करना सिखाया और उसके साथ फाइट करना भी। और माहितो जुनपे को कहता है कि तुम्हारा कर्स टेक्निक है पॉइजन, और ये शिकिगामी तुम्हारे उस पॉइजन को तुम्हारे कहने पर रिलीज करेगा। और जुनपे इसीलिए उसे यानी कि यूजी को अपने पॉइजन से बेहोश करने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो जुनपे पर पूरे फोर्स के साथ अटैक करता है। जुनपे को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार उस पे पॉइजन का असर क्यों नहीं हो रहा है। वो कहता है कि आखिरकार वो उसके रास्ते में क्यों आ रहा है। यूजी उससे कहता है कि मुझे पता नहीं कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, पर ये सब करके बस अपने आप को तसल्ली दे रहे हो कि तुम जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो, यानी कि लोगों को मारना। और वो उस पर डायरेक्ट अटैक करता है क्योंकि शिकिगामी पर उसके अटैक का कोई असर नहीं हो रहा होता है। और वो जुनपे को कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम ये क्यों कर रहे हो, पर क्या ये सब करना तुम्हें सही लगता है, और क्या तुमने ये सब करने से पहले अपने मॉम के बारे में सोचा। जुनपे कहता है कि लोगों के पास हार्ट नहीं होता, और अगर होता भी है तो बस वो उस हार्ट से उसे और उसकी मॉम को बद्दुआ ही देते हैं, जिसके बाद कि वो यूजी पर अटैक करता है। पर यूजी अटैक को डॉच नहीं करता और वो उसे पूछता है कि मैंने जो कहा उसके लिए सॉरी, पर मैं जानना चाहता हूँ कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। और जून पे उसे बताता है कि क्या हुआ उसके मॉम के साथ एंड ऑल। यूजी कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे ये सब नहीं पता था। और वो उसे जुजुत्सु टेक ज्वाइन करने के लिए कहता है, और वो उसे कहता है कि वहां पर उसके कई अच्छे दोस्त और टीचर भी मिलेंगे, और फिर मिलकर वो उसे ढूंढेगी जिसने कि उसके मॉम को कर्स किया था। और तभी वहां पर माहितो आ जाता है और वो यूजी पर अटैक करने लगता है। यूजी उससे कहता है कि जून पे मुझे पता नहीं कि तुम्हारा इस आदमी के साथ क्या रिलेशन है, पर वो उसे भागने के लिए कहता है। जून पे उसे कहता है कि माही तो एक अच्छा आदमी है, वो उसे कुछ भी नहीं करेगा। और तभी वो अपने कहे वर्ड्स पर सोचता है कि क्या वो सच में एक अच्छा आदमी है, क्योंकि उसने अपने पास्ट में जो भी किया है वो कोई भी अच्छा आदमी नहीं कर सकता, यानी कि उसने कई सारे लोगों को मारा है। और तभी माही तो उसे कहता है कि तुम स्मार्ट हो जून पे, पर ज्यादा सोचने पर लोग काफी सिली मिस्टेक करते हैं, और तुमने भी यही किया मुझ पे ट्रस्ट करके, और इसलिए तुम मरोगे। और वो उसके सोल के शेप को चेंज करके उसे एक कर्स जैसा बना देता है, और वो यूजी पर अटैक करने लगता है। यूजी उसे रोकता है और वो सुकुना को कहता है कि वो जुनपे को हील कर दे, इसके बदले वो कुछ भी करेगा, वो जो चाहे। पर सुकुना उसे हील करने से मना कर देता है, और उसे समझ में आ जाता है कि भले ही सुकुना उसके अंदर है और उसकी पावर से लड़ रहा है, पर आखिरकार माहितो और सुकुना दोनों है तो कर्स ही। और जुनपे भी वही अपना दम तोड़ देता है। और तब हमें माहितो से पता चलता है कि ये उनका प्लान था, यानी कि जुनपे को यूजी के खिलाफ भड़काना और फिर उसे मार देना, ताकि यूजी गुस्से से भर जाए और सुकुना उसके बॉडी पर कंट्रोल कर ले। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो बाकी बचे दूसरे बच्चों को भी मार देगा, ताकि यूजी अपने कंट्रोल को खो दे और सुकुना को उसकी हेल्प करने के लिए कहे और अपनी बॉडी पर उसे पूरा कंट्रोल दे दे। और यूजी फ्यूरियस हो जाता है और माहितो पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। माहितो को लगता है कि उसके ब्लोस से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर उसके नाक से ब्लड निकलने लगता है और वो समझ जाता है कि यूजी के ब्लोस से उसे खतरा है, इसलिए उसे अपनी बॉडी को बड़े शेप में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उसे मारने के लिए एक बड़ा टारगेट मिल जाएगा। और वो अपने आर्म्स को वेपन्स की तरह यूज करने लगता है। वो यूजी को कहता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते और इसलिए तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, और वो यूजी की बॉडी को कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। पर तभी कुछ अजीब सा होता है और माहितो सुकुना को देखता है। सुकुना कहता है कि तुमने मेरे सोल को छूने की हिम्मत भी कैसे की। सुकुना उसे कहता है कि जो कि तुम्हारी वजह से यूजी मेरे आगे कुछ देर पहले गिड़गिड़ा रहा था, इसीलिए मैं तुम्हें इस बार माफ कर देता। और माहितो वापस अपने सेंस में आ जाता है, और जिसे ये समझ में नहीं आया कि एक्चुअल में क्या हुआ, मैं बता दूं कि माहितो बॉडी शेप को चेंज करने के लिए सोल के शेप को चेंज करता है, और वैसा ही यूजी के साथ भी करने जा रहा था। पर जो कि यूजी और सुकुना की सोल अब एक हो चुकी है,
तो इसीलिए सुकुना ने उसे सोल के साथ छेड़खानी करने नहीं दिया और यूजी अपने ब्लोस के साथ माहितो का बुरा हाल कर देता है। पर सुकुना अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है और वो यूजी पर अटैक करने वाला ही होता है कि वहां पर केंटो आ जाता है और वो माहितो के अटैक को रोकता है और वो यूजी को पूछता है कि यहाँ की सिचुएशन कैसी है। यूजी कहता है कि जून पे मारा गया और वो उसे बचा नहीं पाया और हाँ उसकी बॉडी में कई सारे होल्स भी हो चुके। माहितो केंटो को कहता है कि तुम बच गए थे पिछली बार पर इस बार नहीं बचोगे और तभी केंटो माहितो के ऊपर ब्लड नोटिस करता है और वो कहता है कि यूजी उसके नाक से खून क्यों निकल रहा है। यूजी कहता है कि ये उसके अटैक से हुआ और वो उसे पूछता है कि क्या माहितो ने उस पर हाथ रखा था और यूजी कहता है कि हाँ। केंटो सोचता है कि दो रीजन है कि यूजी अब तक सही साठ है, या तो माहितो के अटैक उस पर काम नहीं कर रहे या दूसरा कि यू जान पूछ कर यूजी को जिंदा रखना चाहता है किसी वजह से। और वो यूजी को कहता है कि रेडी हो जाओ, हम इस कर्ज को यहीं पर और आज खत्म करेंगे। और इस डायलॉग के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि हमारे चैनल पर हर अल्टरनेट डे पर वीडियोज़ आती हैं एनिमेस और एनिमेटेड मूवीज रिलेटेड। सो सब्सक्राइब फॉर दैट एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।